ये ऑर्गेनिक है, देखने में बिल्कुल ऐसे लग रहा है मगर हरे। तुम्हारे सबका फोटो आएगा इसमें। यार बारिश हो चुकी है बहुत तेज यहाँ पे यार, अभी हम देख सकते हैं यार पानी में, और यहाँ पे पेट्रोल पंप है, जाना है अपने को इधर। आई थिंक चेकिंग वैकिंग होगी या कुछ जो भी होगा वो। और यह है 100 की करेंसी नेपाली, ये नेपाल श्री नेपाल राष्ट्र बैंक। तो फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग, होप करता हूं भी अच्छे हो और अच्छे ही रहना। तो आप सभी भाइयों को राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। तो यार और मॉर्निंग के हो चुके हैं, अभी टाइम हो चुका है 9:15। तो यार 9:15 हो गए और हम हो चुके हैं बिल्कुल रेडी, आप देख सकते हैं, बस अपनी बाइक भी रेडी है। तो बाइक पे बस लगेज लोड करना और निकल जाना है। और ये देख सकते हैं यार रात को कितने ही मर्डर हो गए रात को, ये देख सकते हैं पूरे मच्छर ही मच्छर मरे पड़े हैं। और ये हेडलाइट का भी कुछ ऐसा हाल है यार, बहुत ज़्यादा मतलब जिसे बोलते हैं कीड़े में मच्छर जो है बहुत ज़्यादा है। तो यार यहाँ से जल्दी से पैकिंग करके निकलते हैं, और बगल में पेट्रोल पंप है, अपने को फ्यूल अप भी करवाना है, तो ये पेट्रोल फ्यूल अप करवा के निकल। फ्रेंड्स अपने बाइक का हो रहा है वार्म अप, और यहाँ से देख सकते हैं बगल में ही फ्यूल अप मतलब पेट्रोल पंप है, तो पेट्रोल फुल करवाते हैं और निकलते हैं आगे की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो पेट्रोल का प्राइस है वो है 95.44 लीटर। यहाँ पे करवाते हैं अपनी बाइक को टैंक फुल और निकलते हैं यार आगे की तरफ। और यहाँ पे ये यह भाई मिला है। हाँ भाई कैसे हो, मस्त? तो यार ये बोल रहे थे कि अपना इंस्टाग्राम और यूट्यूब में अपने भाई को सब कुछ करवा दिया। यहाँ से यार फ्यूल अप करवाते हैं और निकलते हैं आगे की तरफ। फुल कर दो भैया, हाँ जी बताइए। हाँ अच्छा, नीचे से गांव गांव से निकल जाता है जो। हाँ अच्छा, शॉर्ट है वो रास्ता, बहुत शॉर्ट है। कितना? 40 किलोमीटर कम पड़ जाएगा वो वहाँ से अंदर अंदर से ही। वो डीजी ने अभी गया था वहाँ से। अच्छा कंपेयर गंज। अच्छा 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 कहाँ पे पहुँचाएगा? हरना बाईपास। आ जा आगे, आ जा पिल्ले में है केले फेले निकल है। लिट्टी, अरे लिट्टी चौका खिला दूंगा। आ जा आ जा लेफ्ट में को ट्रक के आगे आ गया मैं। हाँ मैं शॉर्ट मार दिया पीछे से ही। आगे आ जा, नहीं 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 आगे आ गया, लेफ्ट हैंड साइड पर रहो के दूसरा वाले ट्रक के आ गया हूँ मैं। ये रहा ना स्वीट स्वीट बेकर से, इस पर ले लेते हैं। आगे आगे ये रहा ना फ्रूट जूस। चल ठीक है ठीक है, ले ले आ जा। कैसे दिए भाई केले? केले कैसे दिए? केले केले कैसे? दर्जन पीछे वाले सही है, वहीं से ले ले, एक दर्जन ले ले आगे काम में आएगा। तो अच्छे तीन तीन चार चार तो खा ही लेंगे हम। यही रोक ले साइड में, साइड में रोक ले, बस हो गया यहीं पे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे यार रुका था खलीलाबाद से थोड़ा सा ही एंटर, जब अंदर मुड़े थे वहाँ से अपने हमने लिए थे ये देखिए केले, भूख लग रही थी यार बहुत ज़्यादा। तो अंकल जी ने हम केले वहाँ पे ले रहे थे, तो अंकल जी ने हमें अंदर बुलाया। तो अंकल जी मतलब बुलाया, बोले कि अंदर बैठिए आराम से, फैन वैन चलाया, फिर चाय वाय भी पिलाई और यार केले भी खिलाए थे जो कि थे ऑर्गेनिक। कैसे वाले अंकल जी? ये ऑर्गेनिक केले, देखने में बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं मगर हरे, मगर ये टेस्ट जो है उन येलो वाले से ज़्यादा अच्छा रहा है क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। तो ये थैंक यू अंकल जी, आप इस चीज़ का मतलब आपने जो ऑफर करा चीज़ें अच्छा लगा। आप लोग, आपका नाम क्या है? ब्रिजलाल मोहन। ब्रिजलाल। और अंकल जी यार आप लोगों से सबसे मिलते हैं ना बहुत अच्छा लगा। तो यार ऐसे ही मिलता रहता है और प्यार मिलता रहता है तो इससे मतलब अलग ही चीज आती है, फील अलग लगता है एकदम ना। हाँ तो अच्छा भी लगता है। तो यार यहाँ से अब निकलते हैं क्योंकि टाइम हो गया। अंकल की जो दुकान है वो बीज भंडार की है, खलीलाबाद से एंटर होती है। तो किसी को भी लेने और वीडियो आस पास से देख रहा हो तो यार जरूर आना अंकल जी के पास।
तो यार अब यहाँ से निकलते हैं और सीधे जाते हैं खलीलाबाद से निकलते आगे पंस लुम्बिनी जाएंगे, वो है पर्यटक स्थल गौतम बुद्ध नगर, वो जो है गौतम बुद्ध के जन्म स्थल। तो यार आगे निकलते हैं और चलते हैं यहाँ से, चलते हैं ना। ठीक है, ये दमकल जी की शॉप और यहाँ से निकलते हैं यार। यार बहुत बढ़िया रहे यार आने के बाद, यहाँ पे बढ़िया लगा अंकल से मिलके यार, मजा आ गया। सुबह सुबह अंकल ने चाय वाय सब ऑफर कर दी यार, और क्या चाहिए था अपने को, मिन गई चाय मिल गई, एकदम सोच भी नहीं रहता अभी चाय पीने की, मगर अंकल जी ने मंगा ली तो पी ली थी, कोई दिक्कत नहीं यार, बढ़िया है, ऐसे ही प्यार मिलता रहता है। तो आगे बढ़ते रहेंगे और आप लोगों से भी यार बातें करके यार मस्त चलता रहेगा। दोस्तों यार देख सकते हैं यार कितना ही गजब व्यू है, दोनों तरफ से पेड़ जो आ रहा है ना, ऐसे लग रहा है जैसे दोनों हाथों के बीच में से निकलते जा रहे हैं यार, गजब व्यू जिसे बोलते हैं। और यहाँ से जो है अपने आगे जो है बताया था किसी ने, तो संत कबीर जी थे उनके जो है केस उन्होंने दान करे थे यहाँ पे, और ये जो सीधे रास्ता जाता है ये जाता है खलीलाबाद से लुम्बिनी की तरफ, जो कि है जन्म स्थान गौतम बुद्ध जी का। तो यार लुम्बिनी बताता कि बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल है। तो यार ये आज तो टाइम की कमी होने के बाद शायद हम ना जा पाए, जाएंगे हम वहीं से अपना जो डिसाइड करा हुआ है जो है सनाली बॉर्डर से ही एंट्री करेंगे आगे इन फ्यूचर, या आज टाइम मिलता है तो पॉसिबिलिटीज होगी तो देखेंगे कि जो है पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते, क्योंकि आज अपने को पोखरा जाना है यार, पोखरा वहां से 170-180 किलोमीटर है, तो वो भी सारी चीज़ें यार देखते हुए जाना है। तो फ्रेंड्स यार कम से कम हमारे को बहुत 1-1.25 घंटा हो गया यार चलते चलते गांव वाले रोड पे, जब से वहां से राइट लिया है ना पीछे से बताया था यार, गांव के अंदर से मतलब कम से कम हमने 10-12 गांव जो है या उससे भी ज्यादा गिने तो नहीं है मगर क्रॉस हो चुके हैं। ये देख सकते हैं यार स्पीड बिल्कुल जीरो। तो यार ऐसे ही यहाँ पे चलते हुए जा रहे हैं और देख सकते हैं ये थोड़ा सा आ गया आई थिंक हाईवे नहीं कह सकते यार, हाईवे नहीं होगा, बट ये यार बढ़िया एकदम अब कनेक्ट हो गए हैं यार, बहुत टाइम लग गया अब तक, अभी भी यहाँ से जो है 65 किलोमीटर बचा हुआ है। और साइड में देख सकते हैं यार अपने ये जो है नदी यार, क्या ही मतलब जबरदस्त, और लोग यहाँ पे ना फिशिंग कर रहे हैं नीचे यार, फिशिंग जिसे ये देख सकते हैं इस साइड में लोग कर रहे हैं फिशिंग, ये फिशिंग कर रहे हैं देखो, और लोग फिशिंग करते हुए जा रहे हैं यार यहाँ पे। और ये पता नहीं कौन सी नदी है अपने को ये भी नहीं पता, इस मतलब सब फोटो वोटो खींच रहे हैं लोग, क्लिक कर रहे हैं, ये नदी जा रही है नीचे। तो यार ये हाँ ये जो है मस्त जिसे बोलते हैं बढ़िया यार, चलते हैं यार बॉर्डर की तरफ और जल्दी से जल्दी पहुंचते हैं यार। यहीं रहते हो लोकल हो यहीं पे गाँव में, क्या गिल्ली डंडा खेल लो है? अच्छा कौन सा खेल है? हाँ नेपाल चलना है चलो यार चलो खेलो एंजॉय करो, यहाँ पे रुक गए थे यार थोड़ी सी देर और बच्चे मस्ती करते, चलो भाई कैमरे की चार्जिंग पे भी लगा रहे, ये जा रहा है ये नोट कर लो लिख लो यूट्यूब पे आओगे तुम सारे, ये रहा ना लिखा था बेटे नाम, तुम्हारे सबके फोटो आएगा इसमें, तुम्हारे सबके वीडियो आएगा। हाँ अच्छा तुम्हारा भी यूट्यूब चैनल, अच्छा कोई नहीं अच्छा कर लो वो उसका भी कर लेना, उसके में भी आओगे, अलग अलग है उसका अलग है मेरा अलग है। तो ये यार सारा चीज़ें करवा के फिर चल रहे हैं आगे की तरफ, यह है काशी नगर और सारनाथ, तो यहाँ से लेना लेफ्ट आई थिंक ये वाला डबल रोड हाईवे है, ये पीछे से जो आता है वो हाईवे है, और ये रहा देखिए ये रहा लेड़ा मंदिर, तो यहाँ से सीधे जाएंगे और सनौली बॉर्डर के लिए यार। तो आनंद नगर और पीछे देख सकते हैं यार सिटी मार्ट और ये पीटर इंग्लैंड सारा ही चीज़ है, ये रहा आनंद मार्केट
महानगर कुछ ऐसे ही था। ये रहा महाराजा गंज यार, ये देख सकते हैं यार, ये पंजाब नेशनल बैंक भी मिली है अपने को, तो यहाँ से निकाल लेते हैं कैश। तो यहाँ से एटीएम भी दिख गया यार, कैश निकाल लेते हैं। तो कब तक फ्रेंड्स सनौली से मतलब लगभग हम रह रहे हैं अभी 50 किलोमीटर पहले, और यहाँ पे देख सकते हैं यार लग रहा है रिसेंटली अभी अभी बारिश हुई है यहाँ पे, और यार लग रहा है बारिश से अपना स्वागत हो रहा है। तो बारिश में यार, और देखिए ये अब देखते ही देखते अभी ये देखो रोड पूरी गीली पड़ी हुई है यार। तो यार गीली पड़ी हुई है, अपने को चांसेस है कि पूरे पूरे कि अपने को यहाँ पे बारिश मिलने वाली है नेपाल पहुंचने से पहले पहले। यार बारिश हो चुकी है बहुत तेज यहाँ पे यार, अभी हम देख सकते हैं यार पानी में, और यहाँ पे पेट्रोल पंप पे रोक के थोड़ा सा रेनकोट पहनते हैं। तो ये देख सकते हैं यार कितनी तेज हो रही है। क्या बोल रहे हो? निकल चल चल घुमा घुमा साइडों से बात आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहां से रह जाता है काठमांडू 288 किलोमीटर, और सनौली रह जाता है 9 किलोमीटर, और अपने को सनौली जाना है तो हम जा रहे हैं सीधे एकदम। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं सनौली बॉर्डर, बॉर्डर मतलब ऑलमोस्ट यहां से 3-4-5 किलोमीटर रह रहा है, मतलब 5 किलोमीटर के आसपास, और पिछले ये 4-5 किलोमीटर पीछे से यार ये जो ट्रक है अपने लाइन मतलब साइड में खड़े हुए मिले हैं। तो यार मतलब लगातार अब नियरेस्ट बॉर्डर जो है, बॉर्डर बिल्कुल नियरेस्ट में है यार। अब एक्साइटमेंट पूरी है क्योंकि यार अपने को करना है एंटर, और यहाँ से सनौली यार यहाँ के लोगों के लिए तो मतलब डेली घूमना आना जाना लगा रहता है, बस अपने को तो यार पहुँचना है और फिर एंट्री करनी है, भंसार बनवाना है यार, और सिम भी लेनी है। तो यार ये सारी चीज़ें करनी है बॉर्डर पहुँचते ही पहले। ये होगा चेक यहाँ पे, यहाँ पे लोकल जो है चेक करेंगे। तो यार ये आर्मी है, आर्मी वाले जा रहे हैं यहाँ से। तो यार यहाँ से बताया कि आगे जाना है अपने को, यहाँ से एंट्री करवाएंगे, भंसार भंसार भी बनवाएंगे, चेकिंग भी होगी आई थिंक। यहाँ से जो है जाना है अपने को इधर, तो आई थिंक चेकिंग वैकिंग होगी या कुछ जो भी होगा वो प्रोसेस करेंगे। ये रहे देखिए, ये रहे, तो यहाँ से अपने को आई थिंक ये सारी। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये जो सामने वाला जो बड़ा गेट है अभी नया कंस्ट्रक्शन बनना है, तो ये है नेपाल के अंडर में आता है, और ये जो हमारा है ये इंडिया के अंडर में आता है। तो यहाँ पर एक फ़ोटो क्लिक करवाएंगे और फिर यार आगे की तरफ निकलेंगे। और ये देख सकते वो पुराना वाला जो है वो है नेपाल का गेट, ये है नेपाल का पुराना वाला गेट, और यहाँ से हम एंट्री हो रहे हैं नेपाल में, नेपाल के अंदर एंटर हो चुके हैं, और हम जो अब पहुंच चुके हैं अब नेपाल के अंदर खड़े हुए हैं, और भंसार बनेगा अपना वहां पर। तो यहाँ पे बनेगा भंसार अपना, तो भंसार ऑफिस जाते हैं और भंसार बनवाते हैं यार यहाँ पे। सबसे पहले अपना जो काम है यहाँ पे भंसार बनने का है, और मतलब काफी लोग हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं इंडियंस जो है काफी लोग हैं यहाँ पे। तो ये जो है यहाँ पे सारा जो है अपना जो है भंसार बनने का जो है यहाँ पे प्रोसेस पूरा करेंगे, फिर चलेंगे यार आगे की तरफ। ये रहा भंसार ऑफिस, आ जा। तो यार यहाँ से ये जो है यहाँ पे खड़ी करते हैं बाइक,
और देखते हैं यार, आगे आ जा, यहाँ पे घड़ी कर ले कहीं पर भी। तो यार ये बनवाते हैं यहाँ से ये। भाई बात यहाँ पे जो बनेगा नेपाली 200 रुपए का भंसार पर डे के हिसाब से, एक हफ्ते का बनता है मिनिमम या कितने का भी? 7 दिन का नहीं, हम सब 5 दिन में ही निकल जाएंगे। हाँ अच्छा, काठमांडू में बढ़ जाएगा 7 दिन तो यहाँ पे, 7 दिन में तो हम निकल ही जाएंगे भाई। हाँ तो 7 दिन में तो हम निकल जाएंगे यार यहाँ से, यार यहाँ से निकलते हैं। और वैसे इंडियन 100 रुपये अलग से लेंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है अपना यहाँ पर जो है बाइक का, वो बाइक का व्यवस्था का ये यहाँ पे आरटीओ। और ये है भंसार अपना जो बन के आया है। हाँ नेपाली 200 रुपये पर डे के हिसाब से 7 दिन का। और ये है इसकी रिसिप्ट। तो यार यहाँ से आगे चलते हैं और देखते हैं फिर। ये देखिए नेपाली 500 रुपये का रोड नोट। ये देखिए ये है नेपाल रस्त्रा बैंक, राष्ट्रीय बैंक, राष्ट्र बैंक, राष्ट्र बैंक। यार मेरा पढ़ने में थोड़ा, तुम्हारा लड़खड़ आ गया यहाँ आते जुबान। ये देखिए ये गवर्नर है यहाँ के पूरे सब। और ये है 100 की करेंसी नेपाली, ये है नेपाल, श्री नेपाल राष्ट्र बैंक।